हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे, काफी मजेदार लेक्चर होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, इन फिगर 1.5 एंगल एबीसी इज 75 डिग्री, ओके। एंड आपको दिया एंगल ईडीसी इज 75 डिग्री। क्या बात है, दोनों एंगल्स इक्वल दिया है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन सी टेस्ट से वो हमें पहचानना है। आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ द दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करेस्पोंडेंस, ओके। हम लिख लेंगे उसके करेस्पोंडेंस भी। चलो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। पहला ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। एंड सेकेंड ट्रायंगल दिख रहा है मुझे ई डी एंड सी, ओके। चलो प्रॉपरली करेस्पोंडेंस के वाइज लिखना है, तो मैं पहले लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल मैं कंसीडर करूंगा ट्रायंगल ई डी एंड सी। अब बोलोगे कि सर आपने यही क्यों दो ट्रायंगल लिए, तो देखिए यहाँ पे एक का कॉमन साइड 75 है, यहाँ पे ए बी 75 है बराबर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल भी फॉर्म्ड हो रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी फॉर्म्ड हो रहा है, ओके। तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए काफी आसानी हो जाएगी मुझे। तो मैंने पहला ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ई डी एंड सी। चलो तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बाजू में एक रफ डायग्राम बना ले रहा हूँ। यहाँ पे ए बी एंड सी, ये है 75 डिग्री, सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई सी और यह है 75 डिग्री, ओके। अब ए का करस्पोंडेंस हो जाएगा ई, बी का डी एंड सी का करस्पोंडेंस हो जाएगा सी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल ई डी सी के साथ, ओके, 75 डिग्री। और इसका रीजन आ जाएगा गिवन। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल में ए सी बी, पहले ट्रायंगल में सी कॉमन एंगल और दूसरे में, दोनों में सो कॉमन एंगल क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल डी सी ई, क्या आ जाएगा आपका, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन एंगल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी बाय विच टेस्ट, ए ए टेस्ट, बाय विच टेस्ट, ए ए टेस्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब उसका बोला प्रॉपर करस्पोंडेंस 1-to-1 लिखना था, हमने 1-to-1 ही लिखे। और करस्पोंडेंस साइड बोला है तो आप लिख सकते हो, करस्पोंडेंस एंगल बोला है तो भी आप लिख सकते हो। ए का करस्पोंडेंस है ई, बी का करस्पोंडिंग है डी एंड सी का करस्पोंडेंस है सी। ए बी की करस्पोंडेंस ई डी, बी सी का डी सी एंड ए सी का ई सी, ओके। तो ये आपकी करस्पोंडेंस साइड भी हो गई। चलो अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, इस टू मच सिंपल। देखिए, आर द ट्रायंगल इन फिगर 1.56 सिमिलर, क्वेश्चन मार्क है, इफ यस बाय विच टेस्ट। चलो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों साइड्स के ना वैल्यू दिए। चलो तो सबसे पहले ज्यादा दिमाग को कष्ट दिए बिना डायरेक्टली हम साइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, ओके। चलो अब इसकी साइड्स देखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड से एल एम, तो यहाँ पे आएगा 6/3, इसका रेशियो बनेगा 2/1 का। चलो नेक्स्ट क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर इज 8, एम एन इज 4, इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 2/1। लास्ट इज पी आर अपॉन एल एन, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, इसको कट करेंगे सो यू शुड बी गेट 2/1। If the corresponding sides के ratio अगर equal है तो therefore triangle PQR is similar to triangle LMN by which test? By SSS test, okay? ये test के according हमारा ये triangle भी prove हो गया। It's too much simple. Now next, बहुत ही आसान question है, थोड़ा सा दिमाग को कष्ट देना है। X दिया है मतलब X की value find out करनी होती है, and X की क्या value होती है आप सबको पता है, वो वाली x नहीं, सिर्फ ये वाला x की बात करो नंबर्स की। चलो as shown in the figure 1.57 two poles of the height 8 and 4 meter are perpendicular। चलो पहला पोल है 8 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, एंड यहाँ पे भी 4 मीटर है। देखो आधा आधा टाइप करके देते हैं, mm लिखना भूल गए थे। चलो टू द ग्राउंड,
the length of the shadow of the smaller ball due to sunlight is 6 meter. Okay, चलो ये जो है ना smaller part का जो shadow है वो है ना ground को touch होके 6 meter का हो गया. Okay, तो हमें पूछा है कि ये जो longer part का है ना वो कितना रहेगा. ठीक है, हमें वो find out करना है. But इसके पहले हम यहाँ पे है ना ऐसा डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते कि पी ए 4/8 इज 6/x. उसके पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. तो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए तो पहले मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूँ. ट्रायंगल पी क्यू आर सॉरी पी आर क्यू है एंड ट्रायंगल ए सी बी. पहला रीजन तो आपको सबको सामने दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि दोनों है ना परपेंडिकुलर बना रहे, मतलब दोनों 90-90 डिग्री रहेगी. तो यहाँ पे लिख लो एंगल आर is equals to angle C. क्या है reason? 90 degree. दोनों क्या है? 90 degree. चलो next एक याद रखना कि यहाँ पे जो shadow बना रहा है ना वो angle और ये B angle दोनों same रहेगा because वो एक ही side से sunlight आ रहा है और दोनों shadow बना रहे, तो वो angle क्या रहेगा? Equal. तो यहाँ पे angle Q and angle P. यहाँ पे reason लिखना shadow के वजह से ये है ना कॉमन एंगल बनाएंगे. ओके, तो मैं इसको कॉमन एंगल भी बोल सकता हूँ या तो फिर शैडो की वजह से बन रहा उसके लिए मैंने शैडो लिखवा दिया. तो मैं ट्रायंगल पी आर क्यू को सिमिलर प्रूव कर दूंगा ट्रायंगल ए सी बी से बाय विच टेस्ट ए ए टेस्ट. चलो अब ए ए टेस्ट से सिमिलर हो गए तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ. यहाँ पे लिखेगा कंसिडर कौन सी साइड कंसिडर करनी है. पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी. चलो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पी आर का वैल्यू है 4, ए सी का वैल्यू है 8, क्यू आर का वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है x. चलो x को इधर भेज दो तो 4x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 × 6. चलो x को यहाँ पे रहने दो, 8 × 6/4 4 से कट होगा तो 2 × 6 का कितना आ जाएगा 12. ओके, तो बड़े पॉल की हाइट कितनी रहेगी? 12 meter. चलो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और. आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन काफी सिंपल और मजेदार दिया. इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड बीपीसी आर द कोलिनियर्स, एक्यूसी आर आल्सो कोलिनियर्स, देन प्रूव दैट द ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है और आपको एसी फाइंड आउट करना है. सबसे पहले एक काम करते हैं सीपीए को ढूंढो. चलो पहले सीपीए, आपको सीपीए ट्रायंगल कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है बराबर 90 डिग्री. यस एग्रीड. Now next, ये तो हो गया CPA. Now next अगर देखो तो CQB. चलो CQB कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री है. अब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहले एक तो 90 डिग्री का एंगल मिल गया और दोनों में C कॉमन है. चलो ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूव हो गया, कर डालते हैं ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BQC. इसको क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q. यहाँ पे लिखना नीच 90. नीच 90 मतलब मत लिखना, ईच 90 लिखना. वेरी गुड. चलो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C. क्या आ जाएगा? C है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बेटा, कॉमन एंगल. देयरफॉर ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQC. नाउ वी आर कंसीडर. कंसीडर के पहले मैंने बोला था जब भी डायग्राम बनाओ वैल्यू पूरी लिखना. AP की वैल्यू है 7, BQ की वैल्यू है 8, PC की वैल्यू है 12, AC हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ओके, चलो अभी करस्पोंडेंस साइड ढूंढना है. चलो तो अभी ले लेते हैं कंसीडर. क्या करेंगे? कंसीडर कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पे लिखो AP, AP अपॉन BQ, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC. चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है. AP का वैल्यू कितना है? 7, BQ का वैल्यू 8, AC हमें फाइंड आउट करना है और BC दिया है 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × 12/8 इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AC. चलो 3 × 2 = 21/2, तो आंसर आ जाएगा 10.5 इज इक्वल्स टू AC. ओके गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो. तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाओ. यस, थैंक यू सो मच गाइस.